तो क्या हाल चाल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारे फिर एक ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है। हम आपको एक बहुत प्राचीन मंदिर दिखाने जा रहे हैं। हमारे घर से 80 किलोमीटर दूर पे है मंदिर, तो हम वहाँ के लिए जा रहे हैं। तो हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए, तो हम आपको जाके मंदिर दिखाते हैं। बहुत अच्छा मंदिर है, हमारे आदित्य योगीनाथ जी के द्वारा जो है उसमें चंदा भी दिया गया है 70,51,000 रुपये का। तो देखते हैं वहाँ पे कुछ काम चला कि नहीं चला। चंदा भी फिलहाल में जल्दी दिया गया था, तो अभी हो सकता है काम ना चला हो। तो मगर बहुत पुराना मंदिर है, समथिंग मान के चलिए कि आप 200 साल पुराना मंदिर है। तो वहीं पे हम आज आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे मंदिर का क्या कंडीशन है, कैसे है। और बहुत अच्छा मंदिर, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना है बट लेकिन अच्छा मंदिर है। जब वो पूरा उसमें बन जाएगा तो बहुत अच्छा होगा सुंदरीकरण के लिए। उसमें चंदा भी दिए हैं आदित्य योगीनाथ जी ने, तो हम आज उसी को ब्लॉग में दिखाएंगे। तो दोस्तों हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो हम चलते हैं, फिर आपको मंदिर पर पहुँच के दिखाते हैं क्या कंडीशन है। तो दोस्तों कई घंटे का सफर तय करके मैं पहुँच गया हूँ। अभी यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर बाकी है पहुँचने में, जो मंदिर जा रहे जो 10 किलोमीटर के बाद मंदिर आ जाएगा। तो 3 घंटे लगातार कंटिन्यू गाड़ी चलाया तो यहाँ पहुँच पाया। तो ब्लॉग में हमारे साथ बने रहिए, तो हम आपको दिखाते चल के मंदिर का कैसा क्या है। पहुंच गया हूँ मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो आपको हम दिखाते हैं बैक कमरे से।
जो मतलब बहुत छोटे पुरी जी का है, जो सबसे मेन मंदिर है, सबसे मेन मंदिर है ये वाला, ये बहुत पुराना मंदिर है, ये 200 साल पुराना मंदिर है। तो हम आपको मेन महात्मा जी है जो कि 200 साल पुराना मंदिर है कहा जाता है। इसमें योगी आदित्यनाथ जी ने चंदा भी दिया है 70,51,000 रुपये का। तो दोस्तों ये बाबा जी जो है 108 साल के बाद एक्सपायर हुए हैं, 108 साल जिंदा रही है। तो और इनका ये अपनी मृत्यु का अपने आप बता दिए थे लोगों को, मैं इस दिन एक्सपायर हो जाऊंगा। तो सभी लोग बाग बैठे हुए थे यहीं पे, तो उसी दिन उसी समय पे ये एक्सपायर हुए थे 108 साल होने के बाद। अभी तो ये मेरे सामने एक्सपायर हुए हैं। मैं एक बार आया था तब ये तब थे, अभी अब आया हूँ तो नहीं है। तो अभी जो है बहुत बहुत पुराना मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे बहुत लोग बाग आते हैं हमेशा प्रसाद चढ़ाने के लिए या हर चीज़ करने के लिए। तो ये मंदिर मानता है इसकी कि जो भी सच्चे दिल से माना जाता है यहाँ पे पूरा होता है, वो कोई भी रहे, किसी भी धर्म जात का रहे, और जो भी सच्चे दिल से मानता है उसकी मानता बराबर यहाँ पर पूरी की जाती है। तो हम भी आए आज यहाँ पर, मानता लेके आए थे, तो हमने कहा आपको भी दिखाते हैं ब्लॉग में कैसा है क्या है। तो आए हुए हैं, अभी हम निकल रहे हैं, अभी हमको जाना है दूसरी जगह, एक शादी भी है वहाँ भी जाना है। तो बाय दोस्तों।